हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पांच सबसे तगड़े गेमिंग फोन अंडर 10,000। अब मैं बताता हूं कि आपको 10,000 के अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो यहां पर आपको 6GB का बड़ा रैम, तगड़ी गेमिंग के लिए मीडियाटेक हीलो G96 का तगड़ा गेमिंग प्रोसेसर, हाई लेवल की फोटोज क्लिक करने के लिए 64 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 6000mAh का बड़ा बैटरी होगा, इसको तेजी से चार्ज करने के लिए 33W का इनबॉक्स चार्जर भी देखने को मिल जाएगा, सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगा एंड इसके साथ ही 120Hz का हाई रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाएगा। मतलब कि सब कुछ आपको एकदम बेस्ट लेवल का मिलेगा। ये पांचों स्मार्टफोन इस टाइम के बेस्ट एंड वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। काफ़ी ज़्यादा रिसर्च एंड रिव्यूज देखने के बाद मैंने इन पांचों स्मार्टफोन को चुना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम। और आप भी बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो। गाइस, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारे लिस्ट में 5th नंबर में रैंक करता है वो पोको की तरफ से पोको M4 Pro 4G। ये स्मार्टफोन बैंक एंड कार्ड ऑफर लगाने के बाद 10,249 रुपये में मिल जाएगा। अगर आपको 6GB का बड़ा रैम एंड एक अच्छे फीचर वाला अच्छा स्मार्टफोन चाहिए देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। 6.4 इंच का फुल HD+ एमोलेड डिस्प्ले दिया है 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ और गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है और 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। डिस्प्ले का क्वालिटी काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी तगड़ा डिस्प्ले है। इसमें लगाया मीडियाटेक हीलो G96 का प्रोसेसर। परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको बढ़िया मिल जाता है। मीडियम टू हाई सेटिंग पे किसी भी गेम को खेल सकते हो। फ़ोन को अनलॉक करने के लिए साइड वाला लॉक दिया है। इसमें आप 2 SIM+1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। यहाँ पर आपको इसके बैक में 64 MP+8 MP+2 MP का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। इसके फ्रंट में लगा है 16 MP का सेल्फी कैमरा। गाइस, इसके बैक एंड फ्रंट दोनों कैमरे से आप 1080p की वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा परफॉर्मेंस भी अच्छा है। 5000mAh का बैटरी देने इसको चार्ज करने के लिए 33W का इनबॉक्स चार्जर भी है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसके 6/64 का जो प्राइस है वो 10,249 रुपये और अगर आपको 11,000 में मिले तब भी आप इसे स्मार्टफोन को ले लेना। अगर आपको बेस्ट ऑलराउंडर गेमिंग फोन चाहिए अंडर 10,000 से 11,000 देन डेफिनेटली आप इसे स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। बट गाइस, सभी कमेंट करते हैं कि जो पोको का स्मार्टफोन है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, जल्दी डेड हो जाता है या फिर परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब मिलता है। मैंने इस स्मार्टफोन को इस लिस्ट में इसीलिए रखा है क्योंकि इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो काफ़ी अच्छा है। वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं 4th नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारे लिस्ट में 4th नंबर में रैंक करता है वो है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी M13 4G। अगर आपको बड़ी बैटरी वाला एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन चाहिए देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। मतलब कि अगर आप स्मार्टफोन ले रहे हो मम्मी पापा के लिए देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन को ले सकते हो। बड़ी बैटरी रहेगी तो बैकअप भी अच्छा मिल जाएगा। 6.6 इंच का फुल HD+ PLS डिस्प्ले दिया है 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ और 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिलता है। डिस्प्ले यहाँ पर आपको बढ़िया मिल जाएगा। इसमें लगा है सैमसंग एक्जिनोस 850 का प्रोसेसर। गेमिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको एवरेज लेवल का मिलेगा और अगर आपको एक गेमिंग वाला फ़ोन चाहिए देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन को स्किप कर सकते हो। इसमें आप 2 SIM+1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। फ़ोन को अनलॉक करने के लिए साइड और लॉक है। यहाँ पर आपको इसके बैक में 50MP+5MP+2MP का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। इसके फ्रंट में लगा है 8MP का सेल्फी कैमरा। प्राइस के अकॉर्डिंग कैमरा परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है। अब बात कर लेते हैं इसके मोस्ट हाइलाइटेड फीचर के बारे में यानी कि इसके बैटरी के बारे में। तो इसमें लगा है 6000mAh का बड़ा बैटरी एंड इसको चार्ज करने के लिए 15W का इनबॉक्स चार्जर भी देखने को मिल जाता है। तो इसके 4/64 का जो प्राइस है वो 10,000 रुपये और 10,000 के अंदर अगर आपको एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन चाहिए या फिर आप अगर अपने मम्मी पापा के लिए स्मार्टफोन ले रहे हो देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं 3rd नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारे लिस्ट में 3rd नंबर में रैंक करता है वो है रियलमी की तरफ से रियलमी नार्जो 50। गाइस, अगर आप पोको M4 Pro 5G को नहीं लेना चाहते हो देन इसी स्मार्टफोन को ले लेना। ये भी स्मार्टफोन काफ़ी ज़बरदस्त स्पेसिफिकेशन के साथ आता है तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि पोको M4 Pro 4G को आप लो। इसमें लगा है मीडियाटेक हीलो G96 का गेमिंग चिपसेट। परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको एकदम टॉप नोच का मिल जाएगा। 6.6 इंच का फुल HD+ IPS LCD डिस्प्ले दिया है 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ। बड़ी डिस्प्ले एंड स्मूथनेस भी काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। 5000mAh का बैटरी देने इसको चार्ज करने के लिए 33W का इनबॉक्स चार्जर भी है।
यहाँ पर आपको इसके बैक में 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। इसके फ्रंट में लगा है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। कैमरा भी इसका काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। इसमें आप 2 सिम लगा सकते हो प्लस 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। फोन को अनलॉक करने के लिए साइड वाला लॉक भी है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइजिंग के बारे में। तो इसके 464 का जो प्राइज है वह 9,999 रुपये अगर आप बैंक एंड कार्ड ऑफर लगाते हो तो। तो अगर आपको 10,000 के अंदर एक तगड़ा गेमिंग फ़ोन चाहिए, उसके साथ ही अगर आपको एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। सभी फीचर्स आपको एकदम ज़बरदस्त लेवल के मिल जाते हैं। हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर में रैंक करता है वो इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स नोट 12। ये स्मार्टफोन कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ और इसका जो प्राइस है वो 11,000 के करीब है। बट अभी के टाइम पे ये स्मार्टफोन आपको बैंक एंड कार्ड ऑफर लगाने के बाद 9,500 में मिल जाएगा। और प्राइस के अकॉर्डिंग ये स्मार्टफोन भी वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। इसमें भी आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। 6.7 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले दिया है 180 हर्ट्ज के टच सैम्पलिंग रेट के साथ और गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी है। डिस्प्ले इसका काफ़ी ज़बरदस्त है। इसमें भी लगा है MediaTek Helio G96 का प्रोसेसर। परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको टॉप लेवल का मिल जाएगा। इसमें आप 2 सिम प्लस 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। फोन को अनलॉक करने के लिए साइड और लॉक है। यहाँ पर आपको इसके बैक में 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस AI लेंस का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। इसके फ्रंट में लगा है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। कैमरा भी इसका ठीक ठाक परफॉर्म करता है। 5000mAh का बैटरी देने इसको तेजी से चार्ज करने के लिए 33W का इनबॉक्स चार्जर भी है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइजिंग के बारे में। तो इसके 464 का जो प्राइस है वो है 9,500 रुपये। तो अगर आपको एक बेस्ट ऑलराउंडर डिजाइन स्मार्टफोन चाहिए देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। अब हम लोग आ चुके हैं वीडियो के एंड में और अब हम लोग बात करेंगे पहले नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। उससे पहले मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइस वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। हमारे लिस्ट में पहले नंबर में रैंक करता है वो मोटो की तरफ से मोटो G31 4G। इसमें आपको प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी तगड़े तगड़े फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। 6.4 इंच का OLED डिस्प्ले दिया है 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। डिस्प्ले इसका बढ़िया है। इसमें लगा MediaTek Helio G85 का प्रोसेसर। परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको ठीक ठाक मिलेगा। 5000mAh का बैटरी देने इसको चार्ज करने के लिए 20W का इनबॉक्स चार्जर भी है। फोन को अनलॉक करने के लिए रियर फिंगरप्रिंट दिया है। इसमें आप 1 सिम प्लस 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है। यहाँ पर आपको इसके बैक में 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। इसके फ्रंट में लगा है 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। कैमरा डिपार्टमेंट इसका अच्छा है, काफ़ी अच्छे अच्छे फोटोज निकाल के दे देगा। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइजिंग के बारे में। तो इसके 464 का जो प्राइज है वो 9,500 रुपये। तो ये थे इस टाइम के टॉप 5 बेस्ट गेमिंग फोन अंडर 10,000। और अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो को बिना लाइक किए मत जाइएगा और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। गाइस वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जो लोग ये वीडियो देख रहा है ना प्लीज मत देख, अगर देख रहे हो ना तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज।